सो हेलो गाइस, स्मार्ट फिट चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज करेंगे अनबॉक्सिंग एचपी के 23.8 इंच फुल एचडी एलईडी बैकलाइट आईपीएस पैनल मॉनिटर की। और ये रहा वो मॉनिटर आपके सामने, ये है 24 वॉट डिस्प्ले, 16.5 सेंटीमीटर 23.8 इंच डायगोनल डिस्प्ले। इसमें आईपीएस पैनल लगा हुआ है, एलईडी बैकलाइट आईपीएस पैनल। ये ऑनलाइन मार्केट में 10,500 में आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो शायद कुछ रुपए ज़्यादा लग सकते हैं। ऑफलाइन में क्या एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको ये डिवाइस चेक करके, सब कुछ करके, दिखा के, समझा के, बता के, फैसला लेके आप इसे ख़रीद सकते हैं 100-200 रुपये शायद से ज़्यादा दे करके। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि अगर आपने एक बार देख लिया तो फिर आपको ऑर्डर करना है, फिर रिप्लेसमेंट, फिर ये, फिर वो, ना पसंद आया तो ऐसा वैसा, बहुत सारे आपको चक्कर फेस करने पड़ेंगे। ऑफलाइन हमेशा ले कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो इसको मैंने ऑफलाइन लिया है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या फ़ीचर है इसके अंदर। तो मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीएस डिस्प्ले आपको मिल जाता है मैक्सिमम फुल एचडी 180p पे फ्रेम पर सेकंड पे ये आपको डिस्प्ले मिल जाता है। और 24 इंच, मतलब 23.8 मतलब 24 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, खोलते हैं फटाफट। तो इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इसको इसी तरह से पैक करा है जैसे ये एकदम न्यूली अनबॉक्स हो, क्योंकि चेक करके लेना पड़ता है सब कुछ सही है कि नहीं अंदर में। तो इसे खोल देते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। और एचपी बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है, क्योंकि हम लोग बेसिकली ज़्यादातर लैपटॉप एचपी के ही इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है एचपी पे। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ये ब्रांड है। तो चलिए इसे निकाल देते हैं कुछ इस तरह से। और गाइस बॉक्स हो गया पूरी तरह से खाली, रख देते हैं इसे साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एक पावर केबल, एक नॉर्मल लैपटॉप जैसा पावर केबल। यहाँ पे आपको मिलता है VGA केबल, यहाँ पे आपको मिलता है HDMI केबल, जो बेहद ज़रूरी है लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है एक इसके स्टैंड का माउंट है, जस्ट लाइक ए जो बोलिए यार माउंट है। और यहाँ पे आपको मिलता है एक टेबल माउंट, कुछ इस तरह से ये लग जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये फिट होगा और इसे आप जैसे पुश करेंगे ये नीचे चला जाएगा। तो इन सारे आइटम को रख देते हैं साइड पे। अब करते हैं इसके बॉक्स की ओपनिंग। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एचपी का 24 वॉट डिस्प्ले के साथ 24 इंच का ये डेस्कटॉप मॉनिटर। लो फट गया। सो गाइस ये है 24 इंच एचपी 24 इंच आईपीएस बैकलाइट पैनल। और ये मॉनिटर 24 इंच का है, जो कि बहुत अच्छा साइज़। अगर आप वीडियो एडिटिंग, और स्पेशली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, इस वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने इसे लिया है और बहुत अच्छा इसमें व्यू आने वाला है, वो भी मैं आपको फटाफट करके बताने वाला हूँ अभी। तो चलिए करते हैं इसको सबसे पहले सेटअप। सबसे पहले ये जो स्लॉट है, मतलब ये सीधा सीधी स्लॉट आपको यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर देना है, और ये हो गया इंसर्ट अच्छी तरीके से। सब में पैनल दिया हुआ, आप इसे वापस निकाल भी सकते हैं कुछ इस तरह से। बहुत ही इजी ये इंस्टॉल हो जाता है और इजी ये लग जाता है। अब इस पैनल को हम लोग लगा लेते हैं, इसे बस अच्छी तरह से पुश करना है।
और आई होप आप देख पा रहे होंगे कि ये लग गया कुछ इस तरह से। ये है इसका एक्चुअल डिस्प्ले 24 इंच का, 23.8 इंच है लेकिन ये 24 इंच कह सकते हैं आप इसे। इसमें आप इसके इसकी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं, मतलब फ्लिप कर सकते हैं अप एंड डाउन आप अपने हिसाब से। और बात करें अगर बैक साइड की, तो यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नीचे की ओर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा कैमरा को, अगर मैं एक बार इसके पैनल को निकाल देता हूँ जिससे मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन कौन से सॉकेट लगे हुए हैं। तो इस तरह से, तो आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है VGA केबल का पोर्ट जिसमें आप अपने डेस्कटॉप और क्या कहते हैं उसे डिश टीवी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये है HDMI का पोर्ट और यहाँ पे है पावर केबल का पोर्ट। इसमें बिल्ट इन स्पीकर नहीं है और इससे कंपैरिजन में एक और आता है डेल का 22 इंच का। सेम सारा कुछ फीचर सेम है, बस उसमें स्पीकर है, इसमें स्पीकर नहीं है और वो 22 इंच का है, ये 24 इंच का है। तो इसे इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे इसका सारा फंक्शन बटन है, यहाँ से आप सारे फंक्शन इसके चेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको ऑन और देखते हैं कि क्या कुछ है, कैसा दिखता है इसका डिस्प्ले। सो गाइज, हमने अपने डिस्प्ले को यहाँ पर सेट कर दिया और सारा कुछ स्टूडियो में एज इट इज़ सेट हो गया। ये जो HP का जो डिस्प्ले है 24 इंच का, 23.8 है लेकिन 24 इंच आप इसे कह सकते हैं। तो इसको मैंने सब कुछ सेट कर दिया, सारा स्टूडियो सेट है। अब मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ, इसकी कलर का एक्यूरेशन दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा ये एक्यूरेट है। तो हमें खोलना है YouTube और YouTube पे हम लोग देखेंगे 4K वीडियोस, जिससे इसका क्लैरिटी आपको मालूम चलेगा। सो गाइज़ आपने देख लिया कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्पेशली एडिटिंग के लिए इसे लिया है कि अपने YouTube वीडियोस को अच्छी तरह से एडिट कर सकूँ एक बड़ी स्क्रीन में, क्योंकि आप मेरा लैपटॉप वहाँ पे देख सकते हैं। वो जो मेरा लैपटॉप है उसका स्क्रीन बहुत ही नॉर्मल सा है, छोटा सा है, उसमें एडिटिंग करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो एडिटिंग के लिए ये बेस्ट डेस्कटॉप है। ऐसा आप एडिटिंग ले लें, ऐसा आप एडिटिंग ले लें, ऐसा आप वीडियोस के लिए ले लें, ऐसा आप ऑडियो के लिए ले लें, एवरीथिंग, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी क्लैरिटी से आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करूँ मैं अपने सॉफ्टवेयर की, तो आप देख सकते हैं मैं यूज़ करता हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा और बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरा लाइब्रेरी इजी आ जाता है, सब कुछ बड़ा बड़ा सा थंबनेल दिखता है। यहाँ पे आपको एक एक्यूरेट स्क्रीन मिल जाता है, मतलब अगर
मैं कंपेयर करूँ अपने डिवाइस से, डिवाइस का जो भी मेरा साइज़ है यहाँ इस तरह से, तो ये इससे भी बड़ा यहाँ पे आपको दिखता है। इजी टू आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो टाइमलाइन है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मतलब एडिटिंग के लिए ये बेस्ट डेस्कटॉप है। आप इससे बहुत सारा काम ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, हर कुछ आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए लिया है और मैं आपको दिखा दूँ अभी इसी के शॉट्स रेडी हो रहे हैं कुछ इस तरह से। कौन से सॉकेट लगे हुए हैं तो इस तरह से 16.5 सेंटीमीटर 23.8 इंच डायगोनल डिस्प्ले, इसमें आईपीएस पैनल लगा हुआ है। तो ये एक डेस्कटॉप का रिव्यू था और इंस्टॉलेशन, अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने सारा कुछ आपको दे दिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और ये अनबॉक्सिंग वीडियो थी, रिव्यू वीडियो था, मैंने सारा कुछ डिटेल में दिखा दिया, आपको रेजोल्यूशन चेक करा दिया और भी इसके कुछ यहाँ पे फंक्शनैलिटी है। ये परफेक्ट मुझे अभी खुद नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है क्योंकि पहला यूज़ है, तो करेंगे फिर आगे देखेंगे। सो गाइस, ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए क्योंकि जैसे ही मैं न्यू वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।